तो गाइस आप फोटो देख सकते हो गाइस, इस टाइप का अगर फोटो एडिट करना चाहते हो आप बहुत सिंपल से ही एडिट कर सकते हो गाइस, नो टेंशन लेना है गाइस, एकदम बिल्कुल सिंपल से करना, आप मात्र वन टिप में फोटो बहुत अच्छा बन जाएगा गाइस। तो हमारे वीडियो में बने रहना गाइस और वीडियो को मिस मत करना, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको लाइट रूम में जाना ज़रूरी होगा, और वहाँ पे मैं चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप सिंपल से आप फोटो एडिट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो गाइस मात्र बस वन टिप है यार, ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है आपको, बहुत बहुत सिंपल स्टेप आपको बताऊँगा और कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको लाइट रूम ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो लाइट रूम है ओपन हो रहा है, और गाइस यहाँ पे मैं क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे जो फोटो है ऐड है पहले से, तो आपका जो नॉर्मल कोई फोटो है एकदम नो एडिट किया हुआ, ठीक है गाइस, तो आप उसको यूज़ करके देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो मैं कौन सा पहले आपको क्या करना है कि हम ये वाला जो पीसेट है मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा आप जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे तीन डॉट दिख रहा होगा, आपको ये तीन डॉट पे क्लिक करके नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेना है गाइस, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोटो पे ले जाना है, फ़ोटो लेने के बाद आपको फिर से तीन डॉट पे क्लिक करना है गाइस। तो तीन डॉट पे क्लिक किए और आपको यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ गाइस, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस देखो कि हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पे मतलब कि पीसेट काम कर चुका है, अब क्या करना है थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे तो हमारा अच्छा तरीके से फोटो मतलब हो गया है, बट इसमें क्या है थोड़ा सेटिंग करना है, ठीक है। आपको भी सेटिंग करना पड़ेगा परफेक्टली, जो है था कि फिक्स पीसेट सेट नहीं होता है, थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ता है। तो गाइस चलो अपना खुद से मैं सेटिंग करता हूँ गाइस, तो आप अच्छे से वीडियो देखना। तो पहले चलते हैं लाइट में, लाइट में जाने के बाद आपको देखिए कि यहाँ पे सारा चीज़ मतलब कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसको आपको 43 कर देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं 43 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको आता है सेकंड में, ठीक है। तो आपको सेकंड में जो है फर्स्ट में वो रहेगा इसी, उसके बाद आपको जाना है लाइट में, तो आपको यहाँ पे आपको करना है 87 गाइस, तो आपको यहाँ पे 87 कर लेना है। तो वैसे यहाँ पे 87 कर लिया, उसके बाद आप आता है फोर्थ, तो आपको फोर्थ में यहाँ पे आपको करना है, फोर्थ में आपको करना है गाइस यहाँ पे कहाँ गया आपको यहाँ पे 36 करके, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी सेटिंग करना होगा इस। अब आता है वाइट बैलेंस जो है आपको करना है होगा, तो वाइट बैलेंस के लिए आपको 27 करना है इस, आपको यहाँ पे 20 तो यहाँ पे मैं 27 कर लिया। और लास्ट में आपको जो ब्लैक आता है यहाँ पे 7 ही रहेगा, इसको आपको छूछा नहीं करना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डन करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ इस लाइट में, जो कि यहाँ पे मिक्स पे क्लिक कर लेता हूँ पहले। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रखना पड़ता है, तो भाई सबसे पहले आपको जो है ये चीज़ आपको दो पे करना है। तो वैसे दो पे कर लिया मैंने, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे आपका 6 करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको 6 करना होगा, तो वैसे यहाँ पे 6 कर लिया। और थर्ड में जो आता है आपको यहाँ पे इसको 9 करना है, तो वैसे यहाँ पे हमारा 9 हो गया। उसके बाद आप चलते हैं इस पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको करना है ये जो है आपको, एक मिनट गाइस, आपको 4 कर देना होगा। तो वैसे यहाँ पे अपना 4 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इसको 0 करना होगा, तो वैसे इसको 0 कर लिया। अब आता है सेकेंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे 13 या 14 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे 13 कर लिया, आप यहाँ पे चलते हैं गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, अब आपको यहाँ पे पूरा फूल देख रहे हो कि यहाँ पे हो रहा है, तो आपको यहीं पे रखना है, इसको कम बेसी करना है। यहाँ पे आप इसको मिलाकर कम बेसी आप देख सकते हो। उसके बाद चलते इस पर, बस ऐसे ही आपको कभी कहीं मैचिंग नहीं करता, आप ऐसे करके मैचिंग फोटो पे देख सकते हो कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है और कहाँ नहीं, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, तो
इसको थोड़ा सा मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, यू का थोड़ा यहाँ पे देख लेता हूँ, थोड़ा यू ही मैं इतना रखूँगा। उसके बाद चलता हूँ इस पर, आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क करना है तो आपको यहाँ पर हल्का चला रखना होगा, और नीचे आपका लाइट चाहिए तो आप यहाँ पे लाइट के लिए यहाँ पे हल्के कर सकते हो, बट हल्का यहाँ पे लाइट चाहिए। तो गाइस आपको ऐसे ही सेट करना होगा, अभी सब सही है गाइस यहाँ पे देखो। तो गाइस यहाँ पे सारा काम हो चुका है गाइस, अब कुछ काम इसमें करना होगा, आप ऐसे कम बेसी करके देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा नॉइज़ आ रहा था इसलिए मैंने वीडियो पॉज किया था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि इसको थोड़ा मैं यहाँ बढ़ा कर रखूँगा और इसको भी हल्का सा रखूँगा, ठीक है। तो इसके आपको भी करना होगा, इस थोड़ा अच्छे से काम करना होगा, पी सेट उतना भी काम अच्छे से नहीं करता है, जो कि आपको जो चाहिए फोटो में वो चीज़ नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा काम तो करना पड़ता है इस, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा चलता हूँ, थोड़ा इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्लियरिटी, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा काम इसको भी रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारा काम हो चुका है गाइस, तो थोड़ा यहाँ पे फेस स्मूथ करने के लिए आपको इस पे जाना होगा, और इसको थोड़ा बढ़ा लूँगा और इसको भी थोड़ा बढ़ा लूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ जो देख रहे हो इसको आपको बढ़ा कर रखना है, फोटो को जो डार्कनेस से बढ़ जाता है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, फोटो दिखता है। देखो गाइस यहाँ पे जो फोटो है हमारा फुल कलर सेटिंग हो चुका है गाइस, तो आप देख सकते हो गाइस पहले का जो फोटो था, ठीक है, ये देखो ये पहले का फोटो था, अब ये क्या हुआ जो पी सेट मैंने सेट किया है और ये पी सेट का फोटो हुआ इस पर। तो देख सकते हो गाइस कितनी सिंपल से हमारा फोटो है जो बहुत अच्छे से बन चुका है गाइस। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपका ये वीडियो अच्छे लगा हो, तो गाइस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना गाइस। तो चलो गाइस इसको पहले सेव कर लेता हूँ, तो आपको तीन डॉट पर क्लिक करके आपको नीचे स्लाइड करना है और सेव टू डिवाइस में आपको क्लिक करके सेव कर लेना है गाइस। ये हमारा फोटो सेव हो रहा है गाइस, तो चलते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, तो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।